न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। महाशिवरात्रि के अवसर पर सीएम योगी ने की शिव आराधना, किया रुद्राभिषेक, प्रदेशवासियों को दी शिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा परिवर्तन के 23वां एक अखबार के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। प्रदेश के मुखिया ने उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 23वां के विकास कार्य, विकास गाथा तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में क्रमवार दी जानकारी। मुख्यमंत्री द्वारा ICICI एकेडमी फॉर स्किल सेंटर के उद्घाटन के बाद फाउंडेशन के गवर्निंग काउंसिल मेंबर अनूप बागची ने कहा, लोगों को देश की आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए बनाएंगे सक्षम। ICICI एकेडमी फॉर स्किल सेंटर के उद्घाटन समारोह का हुआ आयोजन, सीएम ने कहा, नहीं होता कोई भी काम छोटा, स्किल सेंटर के माध्यम से मिलेगा रोजगार, युवा होंगे स्वावलंबी। हर हर महादेव के जय घोष से गूंजे शिवालय, मंदिरों में महादेव के जलाभिषेक के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर भक्तों ने किया जलाभिषेक। भक्तों ने कहा, सच्ची भक्ति हो तो पूरी होती है मनोकामना। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित हुई संगोष्ठी भक्ति साहित्य की पृष्ठभूमि, प्रवक्ताओं ने व्यक्त किए अपने अपने विचार। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बैंड बाजे ढोल नगाड़े की धुन पर निकाली गई शिव बारात की शोभा यात्रा, हजारों की संख्या में बारात में शामिल हुए शिव भक्त, नागरिकों ने बरसाए फूल। भाजपा के LED प्रचार रथ को भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने झंडी दिखाकर किया रवाना। और मांगे पूरी नहीं होने पर बोर्ड परीक्षा की कापियों के मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार करेगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, हरिमिलन शाही ने दी जानकारी।